दो देशों के सामने गिड़गिड़ा रहा चीन, चीन की तबाही की डोर दो देशों के हाथ। रातों रात भारत की मदद के लिए आगे आया रूस। रूस के ऐलान के बाद अमेरिका की उड़ी नींद। नमस्कार दोस्तों, प्लेनेट फोर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन और सोवियत संघ का रिश्ता काफी ज्यादा पुराना है। 1956 का दौर था, उस टाइम सोवियत संघ ने चीन को मिलाया था। दोनों बहुत ही तेजी के साथ आपस में मिलकर काम कर रहे थे। उसी दौरान सोवियत संघ ने चीन से ये मांग की कि चीन तुम कुछ ऐसा करो कि मेरे लिए कुछ अलॉय बनाओ, यानी कि मिश्र धातु को बनाओ। दोस्तों 1956 का ये दौर था, उस टाइम सोवियत संघ जो कि एक कम्युनिस्ट देश था और चीन भी एक कम्युनिस्ट देश था, ऐसे में सोवियत संघ को चीन पर बहुत ज्यादा भरोसा था। साथ ही चीन उस वक्त इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था जितना कि सोवियत संघ था, जो कि अमेरिका को सीधी टक्कर दे रहा था। उसी टाइम सोवियत संघ ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसके तहत उसको बहुत सारे एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल जैसे घातक हथियार बनाने थे, उन पर रशिया काम करना चाहता था। उस टाइम रशिया ने जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया तो चीन को इसमें शामिल किया था और चीन के साथ इस बात के लिए साझेदारी की कि इन हथियारों को कुछ खास बनाया जाए, इनके अंदर कुछ ऐसे मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाए ताकि यह बाकी हथियारों से घातक बने। इसलिए रूस ने चीन से मांग की कि आप और हम मिश्र धातु पर मिलकर काम करें। तब दोस्तों साइनो सोवियत इंडस्ट्रियल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1956 में। ऐसे में चीन ने अपने लोगों को इस काम पर लगा दिया और मिश्र धातुओं के निर्माण को शुरू कर दिया। अब तो आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि आखिर रूस अपने देश के अंदर भी तो इन मिश्र धातुओं को बना सकता था। तो दोस्तों इसके पीछे कई रीजन हैं, क्योंकि जो मिश्र धातु है इनको बनाने की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा जटिल है। इनके प्रोडक्शन के अंदर लोगों के जान जाने और बीमार होने का बहुत ज्यादा खतरा है और यह किसी क्षेत्र विशेष को काफी प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन चीन, आपको पता है कि जिस प्रकार से अभी अपने लोगों पर जुल्म ढा रहा है, करतूते करता है, वैसे ही पहले ही था। वह अपने लोगों की परवाह नहीं करता था और अपने इस काम पर लग गया। उसने रूस के लिए इन मिश्र धातुओं को बनाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन इस दौरान चीन के मन में यह सवाल आया कि अगर मैं रूस के लिए एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए मिश्र धातु को निर्मित कर सकता हूं तो खुद के लिए क्यों नहीं कर सकता। इसके बाद दोस्तों चीन ने खुद के लिए अपने हथियारों के बनाने की शुरुआत कर दी। तब चीन ने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए 1964 के दौर में इस खुरापात को अंजाम देना शुरू कर दिया कि अगर लंबे समय तक यहां पर टिके रहना है तो जो रेयर अर्थ इंडस्ट्रियल एरियाज है उनको अपने कंट्रोल में करना होगा, ताकि अगर किसी भी देश को अपने हथियार को, मिसाइलों को बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए इन धातुओं की जरूरत पड़ेगी तो चीन के सामने आकर गिड़गिड़ाएगा कि हमें कच्चा मटेरियल दे दो, हम आपको इसके लिए भारी कीमत चुकाएंगे। ऐसा कुछ चीन के दिमाग के अंदर चलने लगा। अब दोस्तों चीन की इस सोच के पीछे था जिसका नाम था डॉक्टर सू ग्योंग जियांग, जिसे चीन का फादर ऑफ चाइनाज रेयर अर्थ इंडस्ट्रीज कहा जाता है। उसकी सोच की वजह से ही दोस्तों जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट के अंदर तेल हो गया, वैसे ही चीन के अंदर रेयर अर्थ इंडस्ट्री हो गया। चीन इस पर अपना एकाधिकार जमाने लगा। अब यह काम तो जोखिम भरा था, लेकिन चीन ने इस पर अपने लोगों को लगा दिया और 1964 से अब तक चीन इन क्षेत्र में खतरनाक मिनरल्स को निकालने में लगा है। लेकिन हाल ही के वर्षों में चीन के अंदर इस बात को लेकर चिंता मंडराने लगी कि अब जो ये मिनरल्स है जो वह अपने क्षेत्र से 1964 से ही निकाल रहा है, वह तो खत्म हो जाएंगे। इसलिए उसे नई जगह की तलाश थी। इसी कोशिश में चीन कई देशों का चक्कर काटने लगा। उन देशों को लोन देकर चीन वहां पर मिनरल्स की जांच करने लगा। कुछ देशों के अंदर तो चीन की दाल नहीं गली, लेकिन आपको बता दूं कि चीन इस वक्त 150,000 मेट्रिक टन हर साल रेयर अर्थ मटेरियल निकाल रहा है। यह दोस्तों चीन के आंकड़े हैं, ये केवल चीन देश से नहीं बल्कि चीन की जो रेयर अर्थ इंडस्ट्री के आंकड़े हैं जो कई देशों के अंदर फैली है। चीन ने कई देशों के साथ समझौते किए हैं जिसके अंदर ग्रीनलैंड है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, मेडागास्कर, ये सभी देश हैं जहां पर चीन इन मटेरियल्स को निकालता है। इन क्षेत्रों के अंदर बहुत ज्यादा दोस्तों रेयर अर्थ मटेरियल है जहां पर चीन की पैनी नजर है।
अब दोस्तों चीन की इन मटेरियल को लेकर जो मोनोपोली है वो बहुत ही खतरनाक है। जब चीन और जापान के बीच लड़ाई हुई शेनकाकू द्वीप को लेकर तो चीन ने यह कह दिया कि जाओ हम आपको रेयर अर्थ मटेरियल नहीं देंगे, ऐसे में आप अपने हथियार नहीं बना सकते। जापान ने इसके लिए दूसरा रास्ता खोजा लेकिन वो इतना आसान नहीं था। अब ऐसा ही कुछ दोस्तों अमेरिका के साथ हुआ है। चीन ने अपनी बात को मनवाने के लिए अमेरिका को भी आदेश दे दिया है कि अब एशिया के अंदर रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर चीन के नियमों का सबको पालन करना पड़ेगा वरना ये मटेरियल नहीं मिलेंगे। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि अमेरिका को इस चीज का पता नहीं था। अमेरिका को बार बार उसके जो अधिकारी है वो आगाह कर रहे थे कि उसको ऐसी स्थिति को फेस करना पड़ सकता है और अब वे स्थिति आ गई है। दोस्तों आपने एक चीज पर गौर किया होगा कि हिंद महासागर को लेकर चीन बहुत ज्यादा उछल रहा है। चीन हमेशा से ही इस बात पर दावा करता है कि हिंद महासागर पर वह कब्जा करेगा। इसके पीछे का दोस्तों कारण यह है कि यहां पर रेयर अर्थ मटेरियल मौजूद है और चीन उसको हासिल करना चाहता है। यहां पर जो द्वीप है जैसे कि मेडागास्कर, ग्रीनलैंड हो गए, उन पर इन मटेरियल्स के पाए जाने की बहुत ज्यादा संभावना है और चीन यहां पर निकाल भी रहा है। अब ऐसे में दोस्तों ये जो देश है जैसे कि मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, म्यांमार, अफगानिस्तान, इन देशों के हाथ में चीन की कमान आ चुकी है। अगर ये मना कर देते हैं तो चीन की मोनोपोली पूरी तरह से फेल हो जाएगी और चीन का जो दबदबा इन मटेरियल्स पर बन रखा है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और दुनिया चीन से आजाद हो जाएगी। यही वजह है कि दोस्तों अमेरिका लगातार भारत के साथ दोस्ती निभाने की कसमें खा रहा है क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर भारत कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र में भारत का भी दबदबा है। चीन को यहाँ पर भारत दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि दोस्तों भारत ने अफगानिस्तान के अंदर भी अपने रुख में बदलाव किया है और जो रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर चीन की मोनोपोली है उसको भारत को खत्म करना है और इसके लिए अमेरिका सहित दुनिया का हर ताकतवर देश भारत का साथ देना चाहता है। ऐसे में दोस्तों क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। दोस्तों क्या वाकई चीन की मोनोपोली अब खत्म होने वाली है, क्या भारत का दबदबा बढ़ने वाला है, अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। उधर दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जो भारत की फॉरेन रिजर्वों को बचा सकती है, साथ ही दोस्तों भारत के रुपये को मजबूत कर सकती है, क्योंकि आरबीआई की ओर से एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक भारत रुपए के अंदर भी ट्रेड कर सकता है डॉलर को छोड़कर, जो अमेरिका की मुसीबत बढ़ा सकती है। भारत जो ट्रेड करता है उसका 17% भारत रुपए के अंदर ट्रेड कर सकता है और रुपए के अंदर की खरीद फरोख्त कर सकता है दुनिया के अन्य देशों से, जिससे कि भारत का बहुत बड़ा हिस्सा फॉरेन रिजर्व का बच जाएगा। आपको पता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से भारत को अपने रुपए के खजाने में भी 1 trillion rupees का नुकसान हो चुका है, उसका खजाना कम हो चुका है। ऐसे में भारत अपने रुपए की गिरावट को बचाना चाहता है और भारत रुपए के अंदर ट्रेड करना चाहता है। इसके लिए दोस्तों अब रूस जैसे कई देशों ने हामी भरना शुरू कर दिया है और अगर दोस्तों भारत रूस के साथ और ईरान जैसे अन्य देश भी है, पड़ोसी देश भी है, उनके साथ रुपए के अंदर व्यापार करता है तो भारत अपना 17% जो फॉरेन रिजर्व का हिस्सा है उसको बचा सकता है, क्योंकि भारत 17% रुपए के अंदर जो ट्रेड है उसको कर सकता है। इससे दोस्तों भारत का फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा जिससे कि देश में निवेश बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और विदेशी निवेश भी लगातार बढ़ता जाएगा, जिससे कि दोस्तों अब अमेरिका के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। ऐसे में दोस्तों रूस जिस प्रकार से भारत के साथ में खड़ा है उसने अमेरिका की मुसीबत को बढ़ा दिया है। अगर रूस इसी प्रकार से भारत का साथ देता है तो दोस्तों भारत को कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे में दोस्तों इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके अपना विचार जरूर बताइएगा। धन्यवाद।